सभी उसको मथे और अपने अपने विवेक से परमात्मा ने जो उनको बुद्धि और विवेक दिया है उस के माध्यम से थोड़ा थोड़ा नवनीत निकालें और ये नवनीत पूरी समाज में हम सब लोग यहाँ बैठे हैं उनको वितरण करें। इसलिए मैं थोड़ी समय सीमा में सबको आज बांध रहा हूँ, समय कम है, कृपया मुझे क्षमा करें और मेरे छोटे छोटे निर्देशों का पालन अवश्य करें। ऐसी मैं आप सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय श्री दादाजी, जो हमारी मंडली के जामवंत, हम उनको प्यार से कहते हैं, लाल से कहते हैं, दुलार से कहते हैं, उन्होंने बात अपनी रखी। बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय श्री पटेल साहब बोरना वाले, जो चौपाई पर उनका साथ दे रहे थे। श्री जसमंत सिंह जी पटेल, श्री हमारे परमादरणीय श्री तिवारी जी यहाँ पर विराजमान हैं और उनकी मधुर वाणी से हम सभी कृतार्थ होना चाहते हैं। श्री तिवारी जी मंचासीन हो और अपनी गाड़ावारा की धराधाम से आप पधारे हैं और हम बहुत कृतज्ञ हैं उनकी उपस्थिति से। सभी लोग उनका ताली से करतल ध्वनि से अभिवादन करें। श्रीमान देवनारायण जी चौधरी, माला और तिलक से उनका स्वागत करें। इनके बाद आदरणीय तिवारी जी के बाद श्री दद्दू भैया पटेल मंगापुर अर्थकार के रूप में श्री लालजी पटेल खैरी वाले चौपाई पर उनका साथ देंगे। कृपया आप तैयार रहें। दद्दू भैया पटेल मंगापुर। जो भी विप्रवर इस प्रांगण में पधार रहे हैं उनके चरणों में सादर वंदन है और उनका माल्यार्पण और तिलक से स्वागत अवश्य करें। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम, श्री राम चंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री राम चंद्र चरणों वचसा गृणामि, श्री राम चंद्र चरणों सिरसा नमामि, श्री राम चंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये, उललंघ सिंधो सलिलं सलीलं यः शोकवहनिं जनकात्मजाया आदायते नैव ददाह लंकां, नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं अर्जुनं भवबीजानां अर्जुनं सुखसंपदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघन अनेक, सियावर राम चंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय,
गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। हर हर नर्मदे हर। आज इस गुरमखेड़ी की पावन धरा पर यहां समुपस्थित मेरे भाई और समस्त विराजमान संतगण आप सबके पावन चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त ब्राह्मण देवता आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए एवं यहां उपस्थित समस्त भगवत जन आप सबके हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर के चरणों में प्रणाम करते हुए, बड़ा सुंदर चरित्र यहां पर श्री भरत जी महाराज का चल रहा है। श्री भरत जी महाराज का जो चरित्र है, गोस्वामी जी महाराज उसका वर्णन करते हैं। राम जी ने विचार किया कि बाकी सारे चरित्र तो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो सकते हैं और भगवान ने ये जो वन लीला की है उसमें विशेष रूप से श्री भरत जी महाराज का चरित्र प्रकट हो सबके सामने, क्योंकि भगवान चाहते तो रावण को मारने के लिए संकल्प से मार सकते थे। भगवान ने इतने अवतार धारण किए, छोटे छोटे समय के लिए अवतार धारण किए भगवान ने, लेकिन क्या भगवान रावण को मारने के लिए अवतार भगवान ने लिया? बोले नहीं। एक बार की बात है, भगवान अयोध्या में क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, वाल लीला कर रहे थे। भगवान समस्त सखाओं के साथ भगवान खेलते हैं, तो एक समय की बात है कि भगवान दो दल बनाकर के आपस में और क्रीड़ा करते हैं। तो जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा कि भगवान दो दल बना रहे हैं, लक्ष्मण जी तुरंत जो है जाकर के भगवान के पीछे जाकर के खड़े हो गए कि मैं तो भगवान के दल में रहूंगा। समस्त अयोध्या वासियों ने कहा, देखो कितना प्रेम है लक्ष्मण का राम जी के प्रति, वे भगवान से वियोग सहन ही नहीं कर सकते। देखो भगवान के पीछे जाकर के खड़े हो गए कि मैं भगवान के दल में रहूंगा। भगवान ने विचार किया, भरत जी चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि भरत जी भगवान के आदेश के प्रतीक्षित थे। जो सेवक साहवई सकोची, जो अपने स्वामी को संकोच में डाले, चुपचाप खड़े रहे भरत जी, जैसा मेरे स्वामी चाहेंगे। भगवान ने विचार किया, इस तरह तो भरत जी का चरित्र संपूर्ण संसार संपूर्ण सृष्टि के सामने नहीं आ पाएगा। तो भगवान ने ये जो लीला की है ना, वन की लीला, इसमें मुख्य आधार भरत जी महाराज को रख करके किया है कि भरत जी महाराज का चरित्र सबके सामने प्रकट हो। ऐसे भरत जी महाराज जो हैं, भगवान के वियोग में भगवान को मनाने जब चित्रकूट जा रहे हैं, उस समय यहां वर्णन चल रहा है। अभी दादाजी बड़ा अच्छा वर्णन कर रहे थे समय की अवधि में बांध करके, क्योंकि ये जो चरित्र है ये समय में नहीं बांधे जा सकते। भरत जी का चरित्र बड़ा विशिष्ट चरित्र है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं इसको लिख नहीं सकता। अरे भगवान राम भी इस चरित्र को जानते हैं, लेकिन बखान नहीं कर सकते। ऐसी कुछ स्थान है, गोस्वामी जी ने लिखा है, भगवान क्या क्या वर्णन नहीं कर सकते। भगवान अपने स्वयं के नाम की क्या महिमा है उसको वर्णन नहीं कर सकते भगवान। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा, कहो कहां लगी अरे नाम बड़ाई, कि राम न सकही नाम गोने गाई। भगवान अपने नाम में क्या महिमा है उसकी, उसकी क्या अगाधता है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। उसी प्रकार भगवान महाराज जनक जी स्वयं कहते हैं क्या कि भरत महा महिमा सुन रानी, उर जा नहीं राम न सकहीं बखानी। भगवान स्वयं जानते हैं कि भरत जी की महिमा क्या है, लेकिन उसका बखान नहीं कर सकते।
इतनी अगाधता है उस महिमा में। तो ऐसे भरत जी महाराज और चित्रकूट में जाते, भरत जी देखते हैं कि यहाँ के सब जो हैं पशु हैं, पक्षी हैं, ये सब जो हैं एक दूसरे से वैर विसरा करके जो हैं और उस समय वहां पर विचरण कर रहे हैं। क्यों? इसमें कारण क्या है? ये पशु पक्षी ये सब कौन है? ये सब राम जी के ही स्वरूप हैं। ये कामता नाथ जी कौन है? ये कामता नाथ जी कोई और नहीं, स्वयं भगवान का साक्षात विग्रह है। और उस विग्रह के अनुरूप जितने भी पशु पक्षी वहां पर हैं, कलरव कर रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, वहां पर तोते जो हैं वे मधुर शब्द का गुंजार कर रहे हैं, ये कोई और नहीं, ये स्वयं भगवान का स्वरूप है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भरत जी महाराज ने इसका जब दर्शन किया तो भरत जी तो दर्शन में मग्न हो गए। जब मग्न हो गए उस समय केवट क्या करते हैं कि तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहे भरत सन भुजा उठाई। तब केवट क्या करते हैं, बोले दौड़ करके एक ऊंचा जो है टीला है उस पर जाकर के चढ़ जाते और भरत जी से पुकार करके जोर से कहते हैं कि भैया भरत जी देखो। भरत जी कहते क्या बात है? केवट निवेदन करते हैं, नाथ देखी बेटा तो विशाला पाकर जम्बू रसाल तमाला। केवट जो है वो संबोधन करके कहते कि भरत भैया देखो, यहां से मैं देख रहा हूं थोड़ी दूर पर जो है वह पाकर का वृक्ष है। देखिए ये जो वृक्ष है हमारी संस्कृति में कुछ बड़े पवित्र वृक्षों को माना गया है, उनमें से एक पाकर है। पाकर जंबू अर्थात जामुन का फल है, रसाला अर्थात आम का वृक्ष है, और तमाल कुछ कुछ लोग तमाल तेंदू पे भी कहते हैं। तो ऐसे पवित्र पवित्र वृक्ष हैं, उन वृक्षों के बीच में एक वृक्ष है। केवट निवेदन करते हैं कि जिन तरुबरन मध्य बटु सोहा मंजू विशाल देखी मनमोहा। इन वृक्षों के बीच में जो है और एक बड़ा सुंदर और बड़ा विशाल वृक्ष है, वह वृक्ष जो है बड़ा ही श्रेष्ठ है। उसकी शाखाएं जो है वह दूर दूर तक जो है फैली हुई हैं, और उस वृक्ष को देख करके ही और मन जो है वह मोहित हो जाता है। नील सघन पल्लव फल लाला उर अविरल छाहे सुखद सब काला। नील सघन वह जो वृक्ष है उसका वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। उसके पत्ते जो है कुछ नील वर्ण के हैं, नीले नीले से दिखाई पड़ते हैं, और वह कैसा है, बड़ा घना है। इतना घना है कि सूर्य नारायण की जो किरणें हैं उसके पत्तों को भेद करके नीचे तक नहीं आ पाती, इतना जो है वह घना वृक्ष है। और उसकी छाए कैसी है, बोले अविरल उस छाए से, उसकी छाए ऐसी है कि सूर्य की रोशनी भी उसमें पहुंच नहीं सकती। बड़ा घना वह वृक्ष है। और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि उसकी छाए कैसी है, बोले सुखद है, सुख देने वाली है, और कोई एक काल नहीं, बोले समस्त ऋतुओं में वह छाए जो है वह सुख देने वाली है। माना होते मेरे अरुणमय राशि बिरची विधि सकेली सुषमासी। वर्णन कर रहे गोस्वामी जी, निखाद राज कहते हैं, केवट कहते हैं, भैया भरत वह वृक्ष कैसा है? वह वृक्ष जो है मानो ब्रह्मा जी ने
वह वृक्ष जो है उसको बनाने के लिए सारी समस्त सृष्टि में जितनी शोभाएं थी उन शोभाओं को एकत्रित किया, उन सारी शोभाओं को अपने पास एकत्रित करते हैं और उन शोभाओं को एकत्रित करने के बाद में उन्होंने उसकी रचना ऐसी की जैसे घोर अंधकार है और उस घोर अंधकार में और लालिमा होती है, जिस प्रकार रात्रि का घोर अंधकार होता है और सूर्योदय होने के पूर्व जो है और सूर्य के सारथी जो अरुण है उनकी अरुणिमा जो है जब अंतरिक्ष में आती है वह उस अंधकार की राशि को जिस प्रकार से चीर देती है और भेद करके वह पृथ्वी पर आती है, उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अंधकार में उस वृक्ष के जो लाल लाल कोमल पत्ते हैं जो जो उस अरुणिमा के समान जो है और अपनी उस शोभा को बिखेर रहे हैं। ए तरु सरित और समीपे गोसाई रघुवर परन कुटी जहा छाई, वर्णन कर रहे हैं निखादराज कि भैया भरत देखो उस वृक्ष के ही समीप जो है और भगवान ने अपनी पावन जो है और कुटिया बना के रखी है। कैसी कुटिया है? पूरे पर्ण कुटी है, कांस पत्तों इत्यादि का और इस्तेमाल करके उनको और बड़ी सुंदर जो है वह कुटिया का वहां निर्माण कराया है भगवान ने। किसके द्वारा? बोले वहां जो उस वन में जो वनवासी निवास करते हैं उन्होंने बनाया है और वास्तव में तो उन वनवासियों के रूप में वहां देव शिल्पी विश्वकर्मा जी पधारे हैं और उन्होंने उस पर्ण कुटी का जो है और निर्माण किया है। और देखिए क्या होता है, वर्णन करते हैं केवट क्या कहते हैं निखादराज कि भैया तुलसी तरुवर विविध सुहाए कहूं सिए कहूं सिए कहूं लखन लगाए तुलसी तरुवर। अब ये उस कुटी की विशेषता है क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं वे अपने घरों में ऐसे ही वृक्षों को लगाते हैं। आजकल भगवान इस कलयुग की ऐसी और घोर जो है वह क्रूर दृष्टि हमारी इस संस्कृति पर पड़ गई है कि तुलसी के वृक्षों को और लोग बहुत कम जो है लगाते हैं, जबकि हम आज से कुछ समय पहले तक देखते थे कि प्रत्येक वैष्णव के घर में प्रत्येक हिंदू के घर में और तुलसी वृक्ष अवश्य होता था। बिना तुलसी के तो घर में भोजन नहीं हो सकता। जब तक तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग नहीं लगाया जाएगा वह प्रसादी नहीं बनेगी और बगैर भगवान के भोग लगाए हम जब उस भोजन को प्राप्त पाएंगे उस भोजन को करेंगे तो उससे हमारी बुद्धि जो है वह दूषित होगी, हमारी बुद्धि उससे शुद्ध नहीं होगी। जब तक हम तुलसी डाल करके भगवान को भोग अर्पण नहीं करेंगे, पहली गौ की रोटी नहीं निकालेंगे, तब तक हमारे भोजन में जो दोष है उसका निवारण नहीं होगा। भोजन में कई प्रकार के दोष होते हैं, व्यापारी के भोजन में अलग दोष होते हैं, ब्राह्मण के भोजन में अलग दोष होते हैं भिक्षावृत्ति का, और जो किसान हैं उनके भोजन में अलग दोष होते हैं, कई प्रकार के जीवों की हत्या होती है कृषि कार्य में। तो उस भोजन को जब बनाया जाता है गौ के गोबर से लीप करके, आजकल ये सारी व्यवस्थाएं खत्म होने लगी हैं हमारी हमारे घरों से, गौ ही नहीं बची तो जब गौ नहीं रहेगी तो गौ के अभाव में कैसे ये सारी चीजें हो पाएंगी, भगवान कैसे उसको अर्पण कर पाएंगे, कैसे उसको हम भगवान को अर्पण करेंगे और कैसे भगवान उस नैवेद्य को ग्रहण करेंगे। तो गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं और गोस्वामी जी रामचरितमानस के माध्यम से अभी हमारे परम आदरणीय श्री मुदगल जी महाराज जी वर्णन कर रहे थे, हमें बता रहे थे इसके बारे में कि
और उन्हीं के शब्दों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि जब तक हम अपनी संस्कृति, हम अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि अन्य धर्म जो है उनके अनुयायी उस धर्म की रक्षा करते हैं, लेकिन हमारा वैदिक सनातन धर्म जो है वह ऐसा है कि धार्यते इति धर्म, वह धारण किया जाता है, और वह धर्म को जो धारण करता है वह धर्मो रक्षति रक्षिता, वह धर्म उसकी रक्षा करता, हमारा धर्म हमारी रक्षा करता है, हमारा धर्म इतना समर्थ है। तो अब विस्तार ना लेते हुए क्योंकि समय का अभाव है, तो यहां बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, तुलसी के पौधे जहां लगे हो वहां वैष्णव की पहचान होती है। गोस्वामी जी लिखते हैं भगवान हनुमान जी महाराज लंका में गए, विभीषण जी से भी भेंट नहीं हुई हनुमान जी की, लेकिन नव तुलसी का वृंद तहां देह की हर्ष कपिराए, हनुमान जी महाराज के हृदय में हर्ष हो गया। क्यों? उन्होंने देखा कि छोटे छोटे और तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, तुलसी लगी हुई है, ये किसी वैष्णव का घर होगा। तो यहां वर्णन करते हैं, केवट कहते हैं, निखादराज कहते हैं कि भैया भरत देखो वो जो पर्णकुटी है ना, उस पर्णकुटी के समीप ही और बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। किसके वृक्ष है? बोले तुलसी के वृक्ष है, तुलसी तरुवर विविधि सुहाए। तुलसी अनेक प्रकार की होती हैं, श्यामा तुलसी होती है, राम तुलसी होती है, कृष्ण, अनेक अनेक प्रकार की तुलसियां होती हैं। तो अनेक अनेक प्रकार की विविध सुहाए, अनेक अनेक प्रकार के जो तुलसी हैं उन तुलसियों के वृक्ष लगे हुए, और किस किस ने लगाए हैं? बोले कहूं कहूं सीए कहूं लखन लगाए, कहीं कहीं माता सीता ने लगाए हैं और कहीं कहीं भैया लक्ष्मण जी ने उन वृक्षों को लगाया है। और आगे वर्णन करते हैं कि बट छाया वेदिका बनाई, सीए ने जे पानी सरोज सुहाई, बट छाया। वर्णन करते हैं कि वही उस वट वृक्ष की जो छाया है, उस वट वृक्ष की छाया में माता सीता ने अपने सुंदर कर कमलों के द्वारा हवन करने के लिए और एक वेदी बनाई है, जिस पर बैठकर के भगवान जो है और हवन करते हैं। कि जहां बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुन ही कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण लखन सिया राम चंद्र संत हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय मैया। वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी, लिखते हैं कि कैसी है वहां पर, कि जहां बैठ मुनि गण सहित, जहां बैठ करके मुनियों के समूह के साथ भगवान सुजान श्री रामचंद्र सरकार जो हैं, वे क्या करते हैं? वहां पर हवन इत्यादि करते हैं और वहां बैठ करके और कथा और इतिहास पुराण आगम निगम इत्यादि इनकी कथाएं सुनते हैं, भगवान स्वयं सुनते हैं। ये कथा, ये सत्संग में हमें क्यों जाते हैं, क्यों, क्या आवश्यकता है? क्योंकि यहां हमें हर वस्तु की प्राप्ति होती है। कौन सी वस्तु हमें चाहिए? गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि मत कीरति गति भूति भलाई, और जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, तो सो जानिए सत्संग प्रभाऊ, लोक वेद नयान उपाऊ मत कीरति। किसी को सुंदर मति मिली है, किसी को सुंदर गति मिली है, किसी को विभूति मिली है, मत कीरति गति, किसी ने सुंदर गति की प्राप्ति की है और किसी की भलाई हुई है, किसी ने किसी की भलाई की है। अगर कोई भलाई करने वाला है तो उसके मूल में क्या है कि सो जानिए सत्संग प्रभाव, चाहे वो लोक हो
या वेद हो, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये सत्संग से प्राप्त होता है। इसलिए भगवान क्या करते हैं कि वहां ऋषि मुनियों के साथ में बैठकर के सत्संग करते हैं, पुराणों की कथाएं सुनते हैं, वेदों की कथाएं सुनते हैं, और उन मुनियों के मध्य में बैठकर के भगवान लक्ष्मण और माता सीता के सहित जो है और उन कथाओं का श्रवण करते हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय तिवारी जी।